दोस्तों, मेरे वीडियो में मैं गाली नहीं देता, लेकिन आज किसी को गाली देने का बहुत मन कर रहा है। दिल कर रहा है कि किसी को मैं खूब सारी गालियां दूं, क्योंकि इस वक्त देश का जो हाल है उन्हें देखकर अंदर से सिर्फ गालियां ही निकल रही हैं। कोरोना काल में हमारे देश में करीब 2 लाख लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन असल में लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी बुनियादी सुविधाओं के ना होने से हुई है। हमें इसे मौत भी नहीं कहना चाहिए बल्कि इसे नरसंहार या फिर कत्लेआम कहना चाहिए, क्योंकि अगर समय पर इन लोगों को ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद हजारों लोगों की जिंदगियां बच सकती थी, हजारों परिवार बिखरने से बच सकते थे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी हमारे देश के कर्ता धर्ता को देशवासियों की टूटती सांसों की चिंता नहीं है, उन्हें लाचार आवाम की सिसकियों की फिक्र नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि उनकी मीटिंग को इंटरनेट पर लाइव क्यों दिखाया जा रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर एक बैठक की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनकी इस मीटिंग को लाइव दिखा रहे हैं तो वो बहुत भड़क गए, बहुत ज्यादा भड़क गए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे फोन बजते रहते हैं, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए, शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे। ओके सर। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मतलब हद है, जनता तड़प तड़प कर मर रही है और इन्हें प्रोटोकॉल की पड़ी है। शर्म लिहाज कुछ है या नहीं है? एक मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर ऑक्सीजन मांग रहा है और आप उन्हें प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठक हो रही थी और मोदी नहीं चाहते कि देश की जनता को यह पता चले कि सरकार इस महामारी से निपटने की क्या कोशिश कर रही है। ऐसा कौन से युद्ध की रणनीति बन रही थी जो जनता को पता चल जाता तो सब कुछ खराब हो जाता, या फिर प्रधान सेवक जनता के सामने खुद को नंगा होता देख परेशान हो गए थे? वैसे केजरीवाल भी सही खेल गए, दिल्ली के साथ साथ देश की जनता को भी वो ये बताने में कामयाब रहे कि कैसे केंद्र सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही। मोदी जी तो हैं ही बड़े वाले, लेकिन उनकी गोदी मीडिया उनसे भी 4 कदम आगे है। इन खबरों की जरा हेडलाइन देखिए, सबने लिखा है कि लाइव मीटिंग में केजरीवाल ने मोदी से माफी मांगी। मतलब मीटिंग में ऑक्सीजन पर जो इतनी अहम चर्चा हुई उसे इन लोगों ने गायब कर दिया। देश की इस मनुवादी गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। कितना गिरोगे यार, कितनी चाटोगे, और चाट चाट कर तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा और फिर तुम्हें भी इसी तरह सिसकना पड़ेगा। तुम भी दम तोड़ दोगे लेकिन तुम्हें भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दलाल पत्रकार हो और दलाल पत्रकारों का भी हाल कोरोना काल में वही है जो देश की आम जनता का हो रहा है।
क्या देश की मीडिया को यह नहीं पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आप किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जनता को ऑक्सीजन दो, लेकिन नहीं पूछा। और जिस प्रोटोकॉल की दुहाई पीएम मोदी दे रहे हैं उसकी धज्जियां तो वो खुद उड़ाते रहे हैं, चाहे लाल किले पर प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों से मिलना हो या फिर प्रोटोकॉल तोड़कर सऊदी प्रिंस को हवाई अड्डे पर लेने जाना, हर जगह प्रोटोकॉल को हवा में उड़ा दिया था साहब ने। तब क्या हुआ था इस प्रोटोकॉल का जब पीएम मोदी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा घेरा तोड़ लोगों के सामने हाथ हिलाने चले गए थे? तब कहां चली गई थी ये प्रोटोकॉल जब अपने यार डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बिछ गए थे? चुनावी रैलियों में प्रोटोकॉल याद नहीं आता आपको? क्या आपका प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ मन की बात करना है, काम की बात करना नहीं? क्या आपका प्रोटोकॉल सिर्फ चुनावी रैलियां करना है, कोरोना से लड़ने के इंतजाम करना नहीं? क्या आपका प्रोटोकॉल सिर्फ रिकॉर्डेड संदेश जारी करना है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देना नहीं? हद है यार मोदी जी, हमारी ना सही तो अपने भक्तों की ही सुन लो, वो भी इसमें मर रहे हैं, इस बद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं। आपकी ही पार्टी के नेताओं को यूपी के स्वास्थ्य मंत्री फोन पर ऐसी बात कह देते हैं कि बेचारे सबके सामने बता भी नहीं पा रहे। कुछ तो सोचना चाहिए आपको। आपको पता है कि दिन भर हम अपने यार दोस्तों के लिए एक बेड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन और फेबिफ्लू की एक गोली का इंतजाम करने तक में कितना परेशान हो रहे हैं? क्यों आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सरहद पर पाकिस्तान से सेना लड़ेगी, देश में कोरोना से जनता लड़ेगी, तो क्या आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए हैं? एक सलाह मानिए, आपसे देश नहीं संभल रहा तो गद्दी छोड़ दीजिए। अपनी जिद और अकड़ के सामने देश की लाखों जिंदगियों को कुर्बान मत कीजिए। देश को ऑक्सीजन चाहिए, बकवास नहीं, क्योंकि यदि जनता अपने पर आ गई तो आपके प्रोटोकॉल की हवा निकाल देगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन पर ना टिके रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें।